इतनी सर्विस काम चल रहा है आपको पता भी होगा भैया। देखिए कोई कार्य अगर कोई होता है ठीक है, कोई इतनी जल्दी कार्य हर काम नहीं होता, जैसे बोल दिया जाता है करने में और करने में कहने में बहुत फ़र्क होता है। बताना ये चाहता हूँ कि कुछ चीज़ों की वजह से यहाँ पे रोक दिया गया था और रिवर फंड वाले जो काम चल ही रहा है, आप लोग इसमें लोग बहुत सरकार बहुत कर रही है, गड्ढा खोद रही है, किसके लिए खोद रही है? हम आपके लिए खोद रही है ना, कि अगर नाली जहाँ भर जा रहा है वहाँ जो काम नहीं हो पा रहा है तो वहाँ रिवर फंड इसलिए आ रहा है कि जब नाली वहाँ नाली को ख़त्म करने का सिस्टम चल रहा है, जो लोग नाली को लेकर के बोलते हैं वो अगर नाली ही नहीं रहेगी तो बातें ख़त्म हो जाएगा। लोग परेशानी इतनी आती है कि भैया दिखाते लोग इतने पानी में, तो सरकार ने कहा कि ऐसा इतने पानी तो हम इस पानी गायब कर दे रहे हैं नाली का, अंदर रिवर फंड डाल दिए हैं, पचार्टी में काम चल ही रहा है उधर, ये सब भी जो नाले वगैरह खुले हैं बस कुछ समय की बातें हैं वो भी बंद हो जाएगा। विपक्ष के बारे में क्या कहना, विपक्ष में कौन क्यों नहीं? देखिए किसी की, देखिए विपक्ष की बात जहाँ तक आई, जिसका समय था उन्होंने काम नहीं किया। किसका समय था? भाई विरोधी पार्टी की थी। कौन सी पार्टी विरोधी? में तो हम देखिए भाजपा के पदाधिकारी हैं, हमारा नाम संदीप श्रीमाली है, युवा मोर्चा के नगर कोषा अध्यक्ष हैं इस समय, और पार्टी की है तो भाजपा हर काम कर रही है, ऐसा कौन सा कार्य जो न करें? हम तो कहते हैं कि आप आके बताइए, हम उस कार्य को पूरा करेंगे ना, आप मुद्दा उठाइए, मुद्दे को हम ख़त्म करेंगे। जो लोग कहते हैं मुद्दा बना देते ये नहीं वो नहीं हुआ, जब बात काम करने की आती है तो लोग चुनाव को बस लेकर के उसको चुनाव पे लोग थोप देते हैं। चुनाव पे मत करिए, बात व्यक्तिगत कीजिए, कोई परेशान है दुख दुविधा है भाई मंत्री जी के पास जाइए, मंत्री जी वो कार्य न कराएं तो फिर कहिए कि हाँ मंत्री जी, हमने तो बहुत से लोगों को कराया, बहुत से लोगों ने जिनके समय में जिनका सत्ता पहले पिछले सत्ते में कुछ लोग ऐसे तो गांव लोग कुछ लोग की ज़मीनें भी कब्जियाए हुए थे, वहाँ तक छुड़वाने का हमने मंत्री जी से कहवा करके किसी किसी माध्यम से हमने काम करवाया। यही मोहल्ले में कई लोगों को आवास मिला, सरकारी आवास मिला, वो लोग जाके देख सकते हैं, और शौचालय की बात है शौचालय को भी देख लिए। उस समय की बात है जो घाट के इधर पीछे भी जो जगह भी बचे हैं इसको काम ख़त्म करने का, ये भी घाट और आगे चला जाएगा, तो अपना जो जौनपुर है वो सुंदरीकरण में चल रहा है, जो विकसित भारत में भी हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग विकसित भारत को लेकर चल रहे हैं, विकासशील नहीं है अब रह गया, अब विकसित भारत है। लोग बहुत लोग कहते हैं देखिए मंदिर और मस्जिद की बात हम इसलिए नहीं करते क्योंकि देखिए आपस के जो भाईचारे होते हैं, बहुत से लोग कहते थे कि भाईचारा ख़त्म हो जाए, भाईचारा ख़त्म नहीं होगा, सब वही है अपनी जगह। आप ठीक है, रोजगार के मारे में भाजपा सरकार, भैया रोजगार किस में चाहिए आपको बताइए? आप ये एक चीज़ बताइए, आप अगर कोई सीट 100 की सीट है और पब्लिक 1000 है तो 100 की जो सीट है बहुत हो सकती है बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, वो ऐसा नहीं बढ़ाया जाता, संविधान के अनुसार कहीं कहीं सिस्टम जो होते बने होते हैं उसके अनुसार बदला बजाय कि भैया सीट और बढ़ाई जा सकती हैं, तो सरकार से उस चीज़ को कहना चाहिए लोगों को। और नौकरियां की बात है तो एक लोग सोच के लें कि भैया हमको नौकरी करनी है, तो याद रखिए कि यहाँ पे युवा पढ़े लिखे, पहले देखिए बहुत लोग पढ़े शिक्षित नहीं थे, तो हर गरीब का परिवार चाहता है कि हमारा परिवार में कोई लड़का पढ़े लिख के निकले, पढ़ना भाई नॉलेज होना चाहिए ना, आप योग्य योग्यता होनी चाहिए, योग अगर हो गए किसी चीज़ के लिए आप तभी। भैया देखिए लोग कहते हैं कि पैसा लगेगा गवर्नमेंट जॉब में, नहीं आप टैलेंटेड हैं, आपकी जगह खाली है, आप आइए वहाँ पर आपको सब सुविधा मिलेगी सरकार द्वारा। अब आप कुछ चीज़ें वहाँ पे आप नहीं दे पा रहे हैं सरकार को, और भैया देखिए हर आज के डेट में सब चाहता है कि कोई टैलेंटेड हो, तो टैलेंट जो होते हैं युवाओं में है लेकिन लोग निकाल नहीं पाते हैं। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहना? देखिए हम उनके बाद नहीं कर सकते हैं, जब कोई कार्य करने वाला कोई होता तो उसका नाम भी लेते हैं, तो हम अखिलेश यादव देखिए सब अपनी अपनी जगह हैं, वो हैं उन्होंने उनके सत्ता थी तो उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया जनता जान रही है, अगर वो कार्य करते तो आज उनको उत्तर प्रदेश को हिला नहीं सकता था, लेकिन नहीं हिला सकता था, लेकिन उनकी नीतियाँ बहुत ने काम नहीं किया था। क्या काम करके वो लोगों देख को दिखा देना कि उनके भी समय में ये शौचालय वगैरह थे, उन्होंने नहीं उस चीज़ पर प्रोसेस दिया, लेकिन उन लोगों को क्या था कि स्थान बस चाहिए, हम बैठे रहें हिला कोई ना पाए, तो वो उनके समय में था। इन्हीं पे आए आपका पता होगा 100 नंबर चल रही है यूज कर रहे हो, अखिलेश जी समय में था, मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन योगी जी के राज शासन में उस चीज़ को बदलाव किया गया, उस चीज़ प्रशासनिक तौर किया गया, उनमें भी प्रशासन चलता था कार्य था, लेकिन उसमें प्रशासन को नहीं बढ़ावा देते थे, जैसे कहा पुल से निकलते हो सद्भावना का अखिलेश भैया, अखिलेश जी का देना है तो उसको
पास करने के पहले पीछे जाकर पूर्वांचल एक्सप्रेस अखिलेश जी मानते हैं। आपने कहा अखिलेश अगर काम किए होते तो फिर आते भैया। अगर एक चीज़ बताइए, दो आप सत्ता में बैठे हैं इतने साल से, अब अगर जनता को आप चीज़ ना दे पाएँ तो क्या किस लिए बैठे हैं आप? आप चाहते हैं कि हर कुछ नई नई तकनीति लाते रहे ना, उन्होंने कुछ चीज़ों को ला करके रोक दिया कि वो चुनाव को केवल बढ़ावा देते हैं। हमने पहले भी आपसे कहा था चुनाव हमारे लिए वो नहीं है, हमारे लिए जनता का सरकार नहीं चुनाव पे दे रही है आपकी सरकार राशन पे सिलेंडर पे। हम तो कहते हैं इस देखिए, देना और ना देना एक अलग जगह है, जिस चीज़ से लोगों को फ़ायदा ज़्यादा हो उस चीज़ पे। मान लीजिए एक्सप्रेस बनवा दिए, सिस्टम क्या था उसका सिस्टम पीछे जानी है, राशन पानी ये सबसे मूल चीज़ें हैं, जनता की सबसे मूल चीज़ें हैं, जिन चीज़ पे ज़्यादा लोग आकर्षित क्यों होते हैं। अभी आपने कह दिया कि हमको ये चीज़ चाहिए, तो उसके प्रोसेस भी बहुत से हैं जिसको जानना होता है। अगर हम उस चीज़ को जानेंगे तभी हमारी बात जनता तक जाएगी। अब चार लोग कहें भैया कि ये काम नहीं हुआ है वो काम नहीं, चार लोग बोलेंगे ना तो सरकार तक ये बात जाएगी, तो क्यों नहीं होगा? आप और हम आपके माध्यम चैनल के माध्यम से वो बात वहाँ पहुँचेगी तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी कि ये क्यों नहीं हो रहा है, हमारे मंत्री नेता किस लिए बनाए गए हैं? मोदी जी ने कहा है ना, अभी आप जल्दी न्यूज़ में देखे होंगे, उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी कार्य जो पेंडिंग में पड़े हैं उन चीज़ को निकाल के पूरे कर दीजिए, क्योंकि सरकार पहले भी कुछ चीज़ें ऐसी पेंडिंग में पड़ी हुई थी, उस चीज़ को पूरा करने का हमारी सरकार जो है प्रयास कर रही है। देखिए भैया, अब पहले के सरकार में बहुत से कार्य होते थे तो करते थे, इनमें क्या है कि चुनाव को हर चीज़ मुद्दे पर ला के ख़त्म कर देते हैं, जातिवाद धर्मवाद ये सब, ये सिस्टम नहीं होते भैया। आप सामने देख लीजिए, हम तो कह रहे हैं, बताइए किस चीज़ पे हम बोले ना उस चीज़ पे, जाति धर्म ना कहाँ हो रहा है, कौन कर रहे हैं यहाँ पे बताइए? हम तो साथ में ही लेके चलने का प्रयास करते हैं। अगर जाति धर्म की नाम मुसलमान इतना नाराज क्यों भैया? अब 100 में से 4 कोई कहेगा तो इस चीज़ को कैसे माने? 96% जो हैं हमारे साथ हैं तो बिल्कुल साथ हैं। अगर सुनिए, अगर आज सरकार के साथ नहीं होती तो क्या ये चुनाव पूर्ण बहुमत से वो होते हैं यहाँ पे? नहीं होते हैं। अभी एक सवाल हो रहा है आपसे लास्ट जी। आप भाजपा के कुछ भी हो जी, जी कितना सीटें लाए रही है? देखिए 400+ जाएगी इस बार। हमने इसके पहले जो चुनाव हुआ था नगर निगम का, लोग कहें थे कि ये होगा वो होगा, हमने उनको दावा भी दिया, हमने चैलेंज किया, यदि वो अगर चुनाव में यहाँ से वो सीट नहीं भाजपा निकाल पाएगी हम सब चीज़ छोड़ देंगे। लेकिन वहीं चुनाव में हमने कहा कि इस बार भाजपा यहाँ से सीट निकालेगी और अच्छे उसका जो कि दबाव नहीं हो किसी का ऊपर है, जनता का विश्वास था कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ कार्यक्रम, क्योंकि कार्य 10 साल से जो बैठा था वहाँ पे उस चीज़ को नहीं ख़त्म कर पा रहा था, तो नगर निगम पे लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाए, हमने कहा कि आप भी यहीं रहेंगे हम भी यहीं रहेंगे, आइए देख लेते हैं किसमें कितना है दम, निकाल ले जनता के बीच में हम। तो वो चीज़ें हैं जनता के बीच में, जब इंसान देख कोई मंत्री विधायक हो जब जनता के बीच में रहेगा उसकी कमियाँ जानेगा ना, जो केवल एसी के रूम में बैठे हैं फर्स्ट क्लास चला के चुनाव के समय 4 महीने प्रचार करा के एकदम दौड़ा दें कि हाँ हम हैं, वो चुनाव नहीं, दिल के अंदर जगह बनाइए। चलिए आपकी सरकार दिल के अंदर बना, जनता के बीच में है भैया, इसलिए हम यहाँ खड़े होकर बोल पा रहे हैं। तो मैं भी साफ नजरिया दिख ही रहा है सबको। देखिए कैमरा उधर घुमाइए, पीछे बगल में देखिए युवाएं हैं, घुमाइए ना न्यूज़ रिपोर्टर हो गया घूम चुका भैया, लोग सब देख रहे हैं। तो देखिए कुछ लोग सब पॉलिटिक्स से बचना चाहते हैं कि ये बहुत ऐसा नहीं, युवा के हाथ में यार देश हम लोग का सुरक्षित है, तो युवाओं को खड़ा होकर बोलना पड़ेगा। अगर युवा बोलेंगे तो मंत्री विधायक नेता सांसद कोई भी होगा वो कार्य करेगा, ये जान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों अभी आपने देखा मैं हूँ गोमती घाट के तट पे, वही अभी जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, और नमामि गंगे प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं इसके सामने जो आप देख रहे हैं ये हनुमान घाट है और नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है। इधर मैं जिस घाट पर हूँ ये गोपी घाट है और शाम का टाइम हो रहा है, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी हलचल है, काफ़ी चहल पहल है।